हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गैजेट गर्ल में। दोस्तों अभी अभी सरकार ने एक नई योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा। ठीक है, इस योजना के तहत गाइज आपको सरकार की तरफ से 15,000 रुपये की राशि जो नगद मिलती है आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये आपको राशि जैसे कि आप कोई भी लघु उद्योग यहाँ पे कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसा कि गाइज आप सभी सिलाई करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं सिलाई के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे सरकार आपको 15,000 रुपये देगी कैश। ठीक है, उसमें से आप सिलाई मशीन के तहत जो भी टूल्स होते हैं और सिलाई मशीन जितनी भी महंगी आप सिलाई मशीन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। 15,000 में काफी अच्छी से अच्छी सिलाई मशीन आप परचेज कर सकते हैं। और इस योजना का गाइज कौन कौन फायदा उठा सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये योजना है गाइज पूरे भारत में लागू है, यानी कि किसी भी एरिया में आप रहते हो, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, वहां से भी इस योजना का फायदा जो ले सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा है कि आप कोई भी दुकान खोलना चाहते हैं जिसमें आप सिलाई करना चाहते हैं तो आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। इस योजना में आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो गाइज आपको इस योजना में अप्लाई करने के लिए क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी गाइज जो एज होनी चाहिए वो 18 से प्लस होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में गाइज आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता जो लिंक होना चाहिए आपके आधार कार्ड से, और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर से आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस योजना में अप्लाई कर पाएंगे, इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। इस योजना में गाइज आपको क्या क्या मिलेगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पे आवेदन कर देते तो इसके तहत आपको 15 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, डेली आपको 500 रुपये मिलेंगे ट्रेनिंग के तहत। ठीक है, और आप इस योजना का फायदा उठाने के लिए गाइज आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में सर्च करना है pmvishwakarma.gov.in। ठीक है, ये लिखकर सर्च करना है, लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, सीएससी लॉगिन पर क्लिक करना है, सीएससी लॉगिन बेनिफिशियल वहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करके साइन इन पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर नाउ पे आपको यहाँ पे बताना है कि आपके घर में कोई भी सरकारी एम्प्लॉय तो नहीं है, यानी कि कोई गवर्नमेंट सर्विस में तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि आप किसी भी गवर्नमेंट लोन तो नहीं ले रखा, आपने किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट लोन तो नहीं ले रखा, तो यहाँ पे PMEGP लोन है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लोन, किस तरह का लोन तो नहीं है, तो कहीं आपको येस नो में यहाँ पे आंसर देना, तो यहाँ पे नो कर देना। नो जैसे कर देंगे तो आपके लिए प्रॉफिट रहेगा, आप फायदे में रहेंगे, आपको नो करना है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन करना है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर में जो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर वो लिख देना है। उसके बाद आधार नंबर लिख के इस कैप्चा को फिल करके यहाँ पे एंटर कैप्चा में, उसके बाद आप आई एग्री क्लिक कर कंटिन्यू क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा आपको अपने फोन नंबर पर, उस पर आप फिल कर देना है। उसके बाद फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो चुका है बायोमेट्रिक तरीके से, तो हमें इसको आई एग्री पर क्लिक करके टिक मार कर देंगे इसको, और यहाँ पे गाइस देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली, हमारे यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है अपना आधार वेरिफिकेशन। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएंगे, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्टल स्टेटस यानी कि आप मैरिड या अनमैरिड वो आपको फिल कर देना है, जेंडर मेल फीमेल यहाँ पे फिल कर देना है, कैटेगरी SC OBC जो भी आपकी कैटेगरी जनरल यहाँ पे फिल कर देनी है, दिव्यांग यदि आप कोई किसी भी तरह के अपाइज या कोई प्रॉब्लम है तो आप दिव्यांगता यहाँ पे येस नो में आंसर देंगे, दिव्यांग टाइप्स, आर यू डूइंग बिजनेस ए सम स्टेट तो आपका बिजनेस कहाँ पे इसी स्टेट में, अदर स्टेट हो तो येस कर देना है, आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट तो येस, माइनॉरिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, उसके बाद सिलेक्ट माइनॉरिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट माइनॉरिटी पे यहाँ पे नो कर दिया गाइस, माइनॉरिटी सिलेक्ट माइनॉरिटी आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे तीनों चीज़ें हमने फिल कर दी हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे फैमिली डिटेल के बारे में यहाँ पे पूछेगा, तो राशन कार्ड में हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। यदि आपने आधार कार्ड को लिंक कर रखा है राशन कार्ड से तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा राशन कार्ड को। ठीक है, यदि आपने नहीं कर रखा है तो आपका नहीं आ रहा है यहाँ पे राशन कार्ड, तो आपका इसमें आवेदन नहीं कम्प्लीट होगा, यानी कि आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर वो यहाँ पे आ जाएंगे। किसी को डिलीट करना है यानी किसी को हटाना है तो आप हटा सकते हैं किसी मेंबर को, और यदि आपका किसी का भी फैमिली का नाम नहीं आ रहा तो आप ऐड ड्रॉप पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना किसी का भी नाम ऐड कर सकते हैं फैमिली में यहाँ पर राशन कार्ड के तहत। ठीक है, उसके बाद आप आधार एड्रेस यहाँ पे आपका देख लेना, आपका आधार एड्रेस क्या है आप ऑटोमेटिक ले लिया है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक ले लेगा, पिन कोड यहाँ पे आपको भर देना है, स्टेट और करंट एड्रेस में आपके यहाँ पे बताना है कि आप सेम एज आधार एड्रेस यानी कि आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है आप वहीं पर रह रहे हैं करंट में या कहीं और चले गए, तो यस नो में आपको आंसर कर देना, या फिर सेम है तो आप सेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना।
उसके बाद नेक्स्ट है कि डू यू अंडर ग्राम पंचायत, कि आप ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं तो आपको यस कर देना है। ब्लॉक नंबर यहाँ पे आपको भर देना है, कौन सा ब्लॉक आपका आता है। ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे भरना है, जो भी ग्राम पंचायत का आपका नाम है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोफेशन आपको बताना है अपना, प्रोफेशन यहाँ पे क्या है आपका, क्या काम करते हैं आप। तो आपको यहाँ पे जो दे रखे 18 कैटेगरी यहाँ पे मिल जाएंगी इस योजना के तहत, आपको इनमें से कोई कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे काम की कैटेगरी मिल जाएगी, आप जो भी काम करते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, इन्हीं कामों में से आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जैसे कोई भी काम सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे कारपेंटर सेलेक्ट कर लिया। सब ट्रेड में आप कुछ लिख सकते हैं यदि आप, ये ऑप्शनल है। आईयर डिक्लेयर तो गाइस इस पर आपको टिक मार कर देना है। समेज यहाँ पे बिजनेस एड्रेस आपको बताना है कि आपका सेम है आधार कार्ड से, जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही है, या फिर आप कहीं और पे बिजनेस करते हैं तो आपको सेम है आधार एड्रेस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं सेव वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएंगी। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आया क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको अपना बैंक का नेम लिखना है, IFSC कोड, बैंक का जो ब्रांच नेम है वो यहाँ पर भर देना है, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर। इस योजना के तहत आपको 1 लाख रुपए का तक का लोन मिल जाएगा, 18 मंथ तक के लिए 5% का इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने होंगे, बिना कोई गारंटी का आप यहाँ पे लोन भी ले पाएंगे 1 लाख तक का। तो यहाँ पे आपको अमाउंट सेलेक्ट कर लेना, जितना आपको अमाउंट चाहिए आप 50,000, यानी कि आपको 1 लाख के अंदर अंदर लेना है, आप 50,000 लेना चाहते हैं, 1 लाख पूरा लेना चाहते हो, यहाँ पे सेलेक्ट करके लिख देना है। यहाँ पे समय सेविंग पर क्लिक करना होगा, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे परचेज इक्विपमेंट, आपको यहाँ पे पर्पस बताना लोन का कि आपको किस लिए लोन चाहिए, कोई इक्विपमेंट्स आप खरीदें तो सिलेक्ट कर लेना है। बैंक लैंडिंग यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल मंथली फैमिली इनकम है आपको यहाँ पे भर देनी है। नेक्स्ट आप यहाँ पे कोई डिजिटल लेन देन करते हैं यानी कि फ़ोनपे गूगल पे कोई यूज करते तो यहाँ पे आपको येस नो आंसर देना, तो आप येस कर देना। उसके बाद आपको UPI ID आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर देना है। यहाँ पे आपको गाइस यहाँ पे इस स्कीम के बेनिफिट्स आप देख पाएंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। स्किल ट्रेनिंग आपको मिलेगी, 5 दिन तक की आपको स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, 15 दिन तक स्किल ट्रेनिंग आपको लेना होगा, बेसिक 5 दिन की है, वैसे आपको 15 दिन तक की ट्रेनिंग करनी है। डेली आपको यहाँ पे 500 रुपये मिलेंगे, 15 दिन तक कंटिन्यू आपको 500 रुपये मिलेंगे पर डे, तो आपको 15,000 रुपये टोटल मिलेंगे। मार्केटिंग सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यदि मार्केटिंग सपोर्ट आपको चाहिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी डिटेल हमारी कंप्लीट हो गई है, एप्लीकेशन हमारा सबमिट हो चुका है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे नोट कर लेना कहीं पे, इस एप्लीकेशन नंबर को याद रखना है। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना तो हमारा यहाँ पे एक PDF बनकर तैयार हो जाएगी। इस PDF को आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने किसी भी फ़ोन में, किसी भी कंप्यूटर वगैरह में कहीं पे भी इस PDF को सेव करके रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, PM विश्वकर्मा का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। लास्ट वाला स्टेप हमारा जो भी ग्राम पंचायत में सरपंच है उनके हाथों यहाँ पे वेरीफाई होगा, तो वो जैसे ही यहाँ पे वेरीफाई कर देते तो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं आप अपनी PDF को, तो हमारा वेरिफिकेशन तभी कंप्लीट होगा तब हमारे ग्राम पंचायत के जो मुखिया है वो यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन दे, तो मुखिया ही यहाँ पे वेरीफाई करेंगे आपका 3rd स्टेप। जैसे ही वो वेरीफाई कर देते हैं, यदि आप जो काम के लिए पैसे ले रहे हैं यदि वो जायज है, तो आपका मुखिया जैसे ही कंप्लीट कर देगा वेरीफिकेशन, तो आपके अकाउंट में सीधे 15,000 रुपये मिल जाएंगे। और आप कोई बड़ी दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको 1 लाख तक का लोन भी मिल जाएगा 5% के इंटरेस्ट पर। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना।